हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, हमारे घर पे एक छोटे बजीज बेबी को उसके ने पैर पे चोट आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसका इलाज देखने वाले हैं कि हमने क्या करने का है अगर चोट आ गई होंगी बजीज की बेबी को। तो आज के टॉपिक में हम इन्हें देखने जा रहे हैं आज के वीडियो में हम। और दोस्तों, हम बताएंगे कि ये क्यों होता है, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई इन्हें हमारे बजीज कॉलोनी में उनके ने झगड़े चालू रहते हैं, किसको लग जाता है, फिर कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है तो उसके ने उनको चोट आती है। तो जब दोस्तों ने उनके पैर को जब चोट आती है तब खून नहीं दिखता है, लेकिन उनको ने अंदर से लगे वाला रहता है। तो पैर उसका ने आड़ा ऐसा चलते वक्त उसका ने पैर समझ में आता है कि पैर ऐसा आड़ा डालता है वो। और फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर के छोटे बेबीज को होता है, क्योंकि दोस्तों इनके झगड़े इतने चालू रहते हैं पूरे बजीज में, यानी कॉलोनी में इनके झगड़े इतने चालू रहते हैं, तो उसके कारण इनके यानी चोट वगैरह लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके ऊपर का इलाज क्या करने का है। तो और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका इलाज। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले तो हल्दी ले ली है, क्योंकि फ्रेंड्स हल्दी यानी कोई भी अच्छा इलाज के लिए होती है। और फ्रेंड्स, हमने इंजेक्शन के ट्यूब में वाटर ले लिया है थोड़ा सा। तो हम पहले इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये हल्दी को अच्छे से गाढ़ा कर दिया है। तो हम अभी लगाएंगे अपने छोटे बजीज के बेबी को। फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसे इसके यानी पैर ऐसा आड़ा हो जाता है, तो ये पैर को यानी कुछ काम भी नहीं करता, इसका पैर ऐसा छोड़ देता है, पकड़ भी नहीं पकड़ के रखता बराबर से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर इलाज करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हमने हल्दी लेने के पहले और पहले तो उसके पूरे पैर को लगा देने की हल्दी बराबर से। और फ्रेंड्स, हल्दी ऐसी लगानी है कि उसके यानी पूरे पैर को लगनी चाहिए हल्दी पूरे साइड से। फ्रेंड्स, हल्दी को आप यानी रोज़ लगा सकते तो रोज़ लगाइएगा, क्योंकि हल्दी एक अच्छी चीज़ होती है जो यानी इनको यानी ठीक करने के लिए बहुत काम में आती है फ्रेंड्स हल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हल्दी लगा दी है पूरे बराबर से। तो फ्रेंड्स, इसका हमने ऐसे भी इलाज हम कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये 5 से 6 दिन में रिकवर हो जाएगा फ्रेंड्स से। 100% रिकवर होता है इससे फ्रेंड्स हल्दी से, क्योंकि हमारे भी घर पे इसके पहले भी हुआ है ये। तो हमने भी हल्दी से ट्राई किया तो एकदम हल्दी यानी बेस्ट है इनके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बजीज से रिलेटेड न्यू वीडियोस डालते रहते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।